उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर दुरंतो एक्सप्रेस में बर्थ पर एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। चलती ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, इसकी जानकारी परिजनों ने टीटीई को दी। ट्रेन में कोई डॉक्टर न मिलने पर एक महिला यात्री से मदद ली गई और महिला यात्री ने सुरक्षित डिलीवरी कराई। माँ और नवजात बच्ची को ललितपुर महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के कोच S6 के बर्थ संख्या 85 और 86 पर रीना बघेल अपने पति सोनू बघेल के साथ वलसाड़ से झांसी जा रही थी। यात्रा के दौरान रीना को प्रसव पीड़ा होने लगी। सूचना मिलते ही ट्रेन में मौजूद मुख्य टीटी निरीक्षक श्रीराम रेड्डी और उप मुख्य टीटी निरीक्षक अमित कुमार ने झांसी कंट्रोल रूम को सूचना दी। ललितपुर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद ट्रेन को ललितपुर स्टेशन पर रोकने के लिए कहा गया। इससे पहले कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती रीना की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। इस पर मुख्य टीटी निरीक्षक ने महिला यात्री आरती से मदद मांगी। ट्रेन को 5 मिनट के लिए रोक दिया गया। आरती ने रीना की डिलीवरी कराई। ललितपुर स्टेशन पर जच्चा बच्चे को रिसीव करने के लिए RPF कर्मी, स्टेशन टिकट सुपरवाइजर और 112 नंबर एम्बुलेंस के कर्मी प्लेटफॉर्म पर खड़े मिले, जिसके बाद दोनों को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्य टिकट निरीक्षक श्रीराम रेड्डी ने बताया कि आज सुबह 5 बजे जब ट्रेन बीना रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी, तभी कोच S6 के बर्थ 85 और 86 पर सफर कर रही महिला को प्रसव पीड़ा हुई। मैंने सबसे पहले चार्ट देखा कि कोई डॉक्टर ट्रेन में सफर तो नहीं कर रहा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसी कोच में पास वाले बर्थ पर सफर कर रही महिला यात्री से मदद मांगी गई और उसने महिला की सुरक्षित डिलीवरी करा दी। बच्ची के पिता सोनू बघेल ने बताया कि वलसाड़ में वह रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करते हैं। उनकी एक बेटी है, यह दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। ट्रेन में सुरक्षित प्रसव कराने के लिए उसने सभी का आभार भी जताया।